रोमी, 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 भाग गया पर अच्छा ही हुआ। इस बहाने इस झूमर वाले खतरे से तो बच गया। ये झूमर तो बस अभी हिल रहा है, इसे चलता फिरता खतरा बनाना पड़ेगा। यहाँ खड़ी खड़ी कुछ नहीं कर सकती, खतरे को बुलाने के लिए जादू वाला हाथ उठाना पड़ेगा। आंटी जी जरा 2 मिनट साइड में आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या? आइए ना आंटी, आइए। कहाँ लेकर जा रही हूँ? मुझे आपको बुरा लगा ना? मुझे भी बहुत बुरा लगा। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? जाना पहचान सा लग रहा है जैसे कि वो मैं हूँ, क्योंकि मुझे भी बुरा लगा, गुस्सा आया। मिस्टर शेरगिल को पप्पा की आरती अपनी असली बीवी के साथ करनी चाहिए थी, ना कि उस पिशाचिनी के साथ। और उनकी असली बीवी इधर है। दृष्टि? हाँ माँ, आपकी दृष्टि। दृष्टि आप समझे? पिशाचिनी को भी, उसे भी शक हो गया है कि तुम, इसीलिए वो बार बार हमसे पूछे जा रही थी और हमें एहसास ही नहीं हो रहा था कि तुम जिंदा, तुम वापस आ गई। कैसे? मैंने आपको बहुत मिस किया मामा। नहीं, तुम्हें नहीं आना चाहिए था वापस। उसकी नजर सब पे बाज की तरह होती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी जान भी खतरे में है। तो क्या करती मैं? आपको यहाँ खतरे में अकेला छोड़ देती। हम हमारे परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। हम? हमसे क्या मतलब है? यानी कि दिव्या भी? हम दोनों साथ इस दुनिया से वापस गए थे और हम दोनों साथ ही वापस आए। हम दोनों एक ही शक्ति है माँ, आपकी दिव्य दृष्टि। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम दोनों सही सलामत। लेकिन नहीं, तुम लोग को यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं। यहाँ सब ठीक है, तुम लोग वापस जाओ। सब ठीक है? हाँ माँ, आपके बेटे को ये याद नहीं है कि उनकी शादी मुझसे हुई थी और आप कह रहे हैं सब ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था, हादसा हुआ था, लेकिन अब सब ठीक है। वो साचिनी के साथ आगे बढ़ गया है। अब साचिनी मेरी बहू है, बहुत अच्छी बहू है। अच्छा माँ, अगर साचिनी आपकी बहू है तो आपका बेटा आपको आंटी क्यों बुलाता है? वो आपके हाथों से दवाई तक नहीं लेता है। क्या आपको ये सब ठीक लगता है माँ? और ठीक है, अगर आप नहीं चाहते थे कि मैं और दिव्या इस घर में आए, तो जब हम भेस बदल के आए थे और साचिनी हमें अंदर नहीं आने दे रही थी, तब आपने झूठ क्यों बोला? मुझे क्या पता था कि तुम दोनों बहनें ऐसे? तो फिर आपने साचिनी से दूसरा बड़ा झूठ क्यों बोला कि हर साल बप्पा हम ही लेकर आते हैं, जबकि आपने हमें पहचाना भी नहीं था माँ, क्योंकि आप चाहती थी कि गणपति बप्पा इस घर में आए, उनकी स्थापना इस घर में हो, ताकि उनकी स्थापना होने से कम इस घर में खुशियाँ आए, रौनक आए। नहीं, झूठ मत बोलिए माँ, आप यही चाहती थी ना कि भगवान की स्थापना हो और शैतान मिट जाए यहाँ से। मेरी तरफ देख के करीब मैं सही कह रही हूँ। रोइए मत, हम मिटाएंगे, हम शैतान को मिटाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, हम इस घर की खुशियाँ वापस लेकर आएंगे माँ। लेकिन कैसे? तुम दोनों कैसे करोगे? तुम उस पिशाचिनी को जानती हो, उसने सबको वश में कर लिया है। और वो लत, उसने हमें एक लत लगा दी है उस लस्सी की। वो लस्सी हमें नहीं मिलती ना तो हम बेचैन हो जाते, पागल हो जाते हैं। माँ मुझे बताइए, वो उस लस्सी में ऐसा भी क्या मिलाती है? कुछ नहीं पता। चलो जी चलो, हमारी आरती तो हो गई, आप सब भी आ जाओ जी। सच नहीं, वो मुझे बुला रही है। माँ नहीं, माँ चुप जाओ, माँ मुझे जाना होगा। नहीं, अरे माँ, दिव्या, आई होप तूने उस झूमर को संभाल लिया होगा, उसे गिरने से बचा लिया होगा। पंडित जी, हमने बहुत आरती कर ली, अब बाकी सभी करवाइए, है ना रकुशोना? है ना? प्लीज लीजिए। माँ कहाँ गए थे आप? हाँ नहीं, मतलब मेरी और रकुशोना की आरती मिस कर दी ना आपने? कहाँ गई थी? वो क्या है ना, आंटी को चक्कर आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं इन्हें 2 मिनट बाहर की हवा खिलाने ले जाऊं। यहाँ का माहौल बहुत गर्म है ना। नहीं नहीं, मतलब पूजा, मेहमान, आरती तो इसीलिए 2 मिनट बाहर की हवा खिलाने ले गया था। क्या बात है लाल लाल, आजकल बड़ी लंबाई नाप रहे हो। मेरे घर की, मेरे घर वालों की। हाँ है कौन तू? हाँ साजिनी, आरती हो गई है। ओह, हो गई? ठीक है ना, खुश हो ना। बाकी लोगों की आरती मैं संभालूंगी। तुम थके होगे ना, जाओ जाओ जाके आराम कर लो। हाँ, अंदर से दरवाजा जरूर बंद करना, मैं नहीं चाहती कोई भी आके तुम्हें डिस्टर्ब करे। ओके जाओ। अब साजिनी के सामने क्यों गए? आपको पता है ना वो हमें पकड़ने के लिए जाल बिछा रही है। पता नहीं अब क्या करेगी। रिलैक्स। कान खोल के सुन कनखजूरी, आप अपने सारे एंटेनास खुले रखना, आँख के भी और दिमाग के भी, समझी? बड़ा धमाका करने वाली हूँ मैं। क्या? अब अगर जादू होगा तो वो सामने आ जाएगा। धमाका भी मिल गया। सास को उड़ाओ, बहू को दौड़ाओ। मतलब सास को चोट लगी तो बहू तो सामने आएगी ही ना। दी, अब ये झूमर ठीक ठाक लग रहा है, अब ये नहीं गिरेगा। दिव्य, इसका मतलब वो कुछ और करने वाली है, हमें सतर्क रहना होगा। जा गिर जा बुढ़िया। भाभी, मालकिन मालकिन देखा आपने? देखा? हुआ 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 जादू हुआ। बस कहाँ से हुआ जादू? चल रेंगेली, रेंगती बन और जाके देख, उन दोनों चूहियों को ना ढूंढ के निकाल। वो भी यही इसी घर में है। जा देख। अब देखो ऐसे कैसे क्या हुआ? पकड़ लिया। मुझसे पूछे बिना आज तक मेरे पति ने मेरा घूंघट नहीं उठाया और तूने उठा दिया। तेरी इतनी हिम्मत! तुम हो कौन? मैं शट अप। देखा थी, मैंने कहा था ना वो हमें फंसाने के लिए जाल बिछा रही है। तो अब क्या करें? एक बहुत बड़ा धमाका। बस बहुत हो गया, अब खत्म करना पड़ेगा ये सास बहू और सस्पेंस। दी, आपको कुछ दिख रहा है? क्या देखा आपने? हाँ दी, दिव्य, वो झूमर गिरने वाला है। हाँ क्या? मुझे चाची, यार चाची, महिमा, मम सब गिरने वाला है। क्या? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, इसे गिरने से रोकना होगा। क्या करियो, हमें जो करना है सोच समझ के करना पड़ेगा वरना पकड़े जाएंगे। रुको, कुछ सोच ले दो। चलिए, अरे सब लोग बप्पा के पास आइए। आइए आगे आइए ना सब लोग। चलिए बप्पा के पास जाके आरती कीजिए, आशीर्वाद लो। आइए आप लोग भी आइए, सेल्फी वेल्फी खींचो। चलो आओ, पंडित जी अच्छे से आशीर्वाद दीजिए सबको। ये इनका कौन सा नया खेल है? गणपति बप्पा मोरया। मेरी प्यारी माँ और मेरी प्यारी प्यारी चाचिया, आइए यहाँ आइए ना। आइए। आहा, आप तीनों की एक यादगार तस्वीर खिंचवाना चाहती हूँ मैं। लोग भी क्या याद करेंगे कि आज के दिन बप्पा घर आए थे और आज के ही दिन ये तस्वीर बनी थी। रोमी ब्रो, कम हियर, कम ब्रो, कम। चलो फोटो खींचो इन तीनों की, अच्छी फोटो खींचना। चलो शुरू हो जाओ। 101 का शगुन होता है ना, वैसे ही कम से कम 101 तस्वीरें तो खींचनी ही चाहिए। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। Smile. चलो खींचते रहो। ओके स्माइल। हटा। ओह गॉड, चाची, ओजस चाची, मॉम तीनों उसी जगह पर खड़े हैं जहां मुझे झूमर गिरता हुआ दिखा था। कुछ करना पड़ेगा। अब इस धमाके के बाद तुम दोनों को सामने आना ही पड़ेगा चूहियों। चलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ, झूमर गिरने ही वाला है। डिस्टर्ब क्यों कर रही है मुझे? मेरा ध्यान मत बात समझी ना। चल रिंकी वन, मालकिन वो देखो जादू हो रहा है। जा, जा, जाके देख, जाके देख। रुक, मैं देखती हूँ। मालकिन ये सब क्या हो रहा है? पहले जादू वहां से हो रहा था, फिर यहाँ से हो रहा था। ये दोनों कर क्या रही हैं? मालकिन वो देखो, तीसरी जगह से भी जादू कर रही हैं। खेल खेल रही दोनों मेरे साथ। मैं भी पिशाचिनी हूँ, पिशाचिनी। लगता है भूल गई दोनों। बी साइलेंट, बाकी सब वायलेंट। सबको अभी के अभी ऊपर लाओ, समझे? दी, अच्छा हुआ हमने प्लान करके सब काम किया। उस पिशाचिनी को तो उल्लू ही बना दी, पर ये कौन सा नया प्लान बना दी है? क्या करने वाली है? बड़ी मॉम सब लोगों को ऐसे क्यों बुला रही है? पता नहीं ये सब कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। ये आखिर करना क्या चाहती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो हम भी इन पे जाके देखते हैं। दिव्या, हाँ, टेरेस के दरवाजे की आवाज आ रही है। ये लोग टेरेस पे क्यों जा रहे हैं? चल देखते हैं। तो सारे कबूतर आ गए छत पर। तैयार हो जाओ, मौत के मुंह में कूदने का वक्त आ गया है। कूदने के लिए तैयार हो जाओ। तो समझ गए ना तुम सबके सब? अभी नहीं, अभी नहीं, पहले मैं 3 बोलूंगी, उसके बाद तुम सबको कूदना है। ये सब कुछ मुझे नहीं रुकना ही होगा। मेरी बात से वो ये सब जबरदस्ती करी ताकि हम लोग सामने आ जाए और फिर हम लोग को देख ले। अभी जो करेंगे उससे भी भयानक कुछ करेंगे। हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन अभी जाना तो पड़ेगा ना। हम वहाँ पर जाएंगे भी और सबको बचाएंगे भी। मतलब हम जाकर सबको बचा भी लेंगे और फिर हमें देख भी नहीं पाएगी। इनको शेर लेकर सारे माल को छत पे ले। अब अगर दिव्य दृष्टि यहाँ पर है तो उनके पीछे पीछे जरूर ऊपर जाएंगे, पक्का जाएंगे। सतर्क रहना होगा। ये कौन? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मारना है, मुझे नहीं मारना है। प्लीज कोई तो बचा लो। अब सब अपनी आंखें बंद कर लो, कोई घबराएगा नहीं। सब अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करने से घबराहट कम होती है क्या? इतने ऊपर से बस एक ही चीज मिल सकती है, मौत। Oh God, मुझे हाइट का फोबिया है। मुझे ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि मैं क्या हूँ। ऐश मेरी बात सुनो। मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। मैंने सुना है जो डरे डरे लोग हाथ पकड़ने से ठंडा हो जाता है। तुम क्यों डर रही हो? हाँ मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हूँ। अरे तो तुम्हारे होने से क्या होगा? गिरने से बचाओगी या मरने से? नहीं मैं नहीं, पापा है ना, गणपति पापा आएंगे ना, हम सबको बताने आएंगे गणपति पापा। नहीं तो देख लेना, किसी को भेजेंगे, हम लोगों को बचाने के लिए किसी को भेजेंगे। गणपति पापा किसी को भेजेंगे क्या? भेजेंगे। किसको भेजेंगे? भेजा है ना, मुझे भेजा है। चलो 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 चलो, सितारी बजने वाली है तुम सबकी। शुरू करते हैं। नहीं मालिका, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो प्लीज। हे गणपति बापा, सुना है आप आते हैं तो घर के ही हो जाते हैं, मौत के मुंह में कूदने जा रहे हैं। बापा कोई करिश्मा करो। राशि, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दो। नहीं